अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद मैं लोड कर रही हूँ। इसकी एक वजह तो ये है कि मैं काफ़ी बिजी थी, फैमिली में एक शादी आ गई और इसके अलावा बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और अब फिर बच्चों के जो है ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी। आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल जो है वो कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से है। जो मैंने पहले जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं वो तकरीबन कटिंग और स्टिचिंग के हवाले से है। तो ये पहली वीडियो है जो मैं इस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट से मैंने जो है कैप्स सिलेक्ट करके, तो मैंने सोचा कि लोड कर दूँ आप लोगों के लिए। वीडियो काफ़ी दिन हो गए हैं तो मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इन कैप्स के स्टाइल से, डिज़ाइन से। तो मैंने सोचा आप के साथ भी शेयर कर लीजिए ये बात। तो किस तरह से फायदा हुआ है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो कैप्स और स्वेटर्स नीट करवाए हैं, इधर से कलर कम्बिनेशन का बहुत ज्यादा मुझे आइडिया हुआ है कि क्या क्या कलर जो है, कौन सा कलर किसके साथ सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग नीटिंग जानते हैं तो बहुत ही ईजी स्टाइल है ये, आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं स्टाइल भी। और इसके अलावा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट से जाकर, वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप नीटिंग जानते हैं तो आप खुद नीट कर सकते हैं, कलर कम्बिनेशन का आइडिया ले सकते हैं। आप जो है इनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो मैंने नीट करवाई है वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत ही खूबसूरत स्वेटर्स बने हैं और बहुत पायदार होते हैं, वॉशेबल होते हैं, जितने भी आप वॉश करो तो वो ख़राब नहीं होते हैं वूल के जो हैं, और सर्दियों में बहुत अच्छा सा बच्चों को कवर करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए ये। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि ये एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हॉबी मुझे लगी है कि आप कहीं भी बैठे हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो आप अपना जो है एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अच्छा से स्पेंड कर सकते हो अगर आपको नीटिंग आती है। तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, मुझे भी नहीं आती थी। मैंने एक आध दफ़ा देखा तो मुझे ये बनाना आ गया कि किस तरह से बनाते हैं। आप सिंपल वाली नीटिंग सीख लें, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में कोई भी जानता है नीटिंग, तो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा सीखने की, क्योंकि बिल्कुल भी ये मुश्किल काम नहीं है और बहुत अच्छा सा ये इससे टाइम स्पेंड होता है, हॉबी है, बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मशवरा कैसा लगा है और ये कैसा आइडिया है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए एनर्जेटिक होते हैं, काम करने का हौसला देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए तो वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। अगर कोई आपको डायरेक्ट सामने गलत नज़र आ रहा है तब भी आप उसको पॉजिटिव सोचें, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा 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 पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी इंशाल्लाह। आप में भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।